हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट। एंड कैसे बच्चों आप सब लोग, एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से ईमानदारी के साथ में कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान भी रख रहे होंगे क्योंकि ठंड आ गई है। राइट, तो तैयारी तो करते रहना है, ठंड में आलस थोड़ा ज्यादा आता है बट बेटा उस आलस को किनारे रख देना है क्योंकि 4.5 महीने का ही टाइम हमारे पास में बचा हुआ है और ये 4.5 महीने हमारा फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के हर कदम पे आपके साथ में हूँ, हर वो चीज आपको प्रोवाइड करूँ जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो। अच्छा चलिए, ये बातें हम बाद में करेंगे। मैं आज आपको बताने वाली हूँ मस्ट अवॉइड मिस्टेक्स इन नीट 2024। खास करके मैंने यहाँ पे नीट 2024 क्यों लिखा है क्योंकि इस साल बहुत सारे नए चेंजेस आए हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। वैसे जनरली लोग ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए, बेटा ये बुक पढ़नी चाहिए, ये टॉपिक ऐसे पढ़ना चाहिए, इसको ऐसे रिवाइज करना चाहिए, लेकिन मैं वो बताने वाली हूँ ना जो आपको नहीं करना चाहिए, या आप वो चीजें अगर नहीं कर रहे हैं राइट, और या आप गलत तरीके से उनको फॉलो कर रहे हैं तो वो चीजें आप चेंज कर ले तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करे हैं। ये एक पॉइंट यहाँ पे रह गया, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, अदरवाइज आप उस पॉइंट को मिस कर देंगे, तो वो स्पेशल है आपके नीट 2024 के लिए, बहुत खास है। सो पहला है आपका नो प्रॉपर स्केड्यूल। अगर आप कोई भी प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना कि सुबह उठे अच्छा क्या पढ़ लेता हूँ, अच्छा ये पढ़ लेता हूँ, तो फिर मैं इसको रिवाइज कर लिया या पढ़ लिया नया, उसके बाद फिर मैंने उसको रख दिया और 2 हफ्ते तक मैंने उसको देखा ही नहीं, ठीक, ये चीजें नहीं करनी है। अगले दिन हमें क्या करना है, हमारे पास में प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए। अगर हमारे पास में प्रॉपर स्केड्यूल नहीं होगा तो बेटा आप अपने दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया, टाइम कभी कम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है, आप उसको कितना बर्बाद कर रहे हैं और कितना यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो एक दिन पहले आप अपना पूरा स्केड्यूल डिसाइड कर लीजिए कि कल मुझे इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर पढ़ना है, इन चीजों के मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं और इस टॉपिक का मुझे रिवीजन करना है। तो डेफिनेटली आप इन 4.5 महीनों में भी अपनी तैयारी को एक जीरो से लेकर के हीरो वाले लेवल पे पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज है नॉट सॉल्विंग मॉक टेस्ट पेपर रेगुलरली। अभी बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे जो अभी भी डर रहे हैं कि मैं कैसे एग्जाम दूं, मुझे तो ये यूनिट नहीं प्रिपेयर है। आप यूनिट वाइज दीजिए, टॉपिक वाइज दीजिए, या चैप्टर वाइज दीजिए, या आप होल मॉक टेस्ट पेपर देने की कोशिश अगर कर रहा है कोई बच्चा तो बहुत अच्छी बात है। बट कुछ बच्चे जो डर रहे हैं ना कि अभी मैं नहीं दूंगा, मुझे तो नहीं प्रिपेयर है, तो ऐसा मत करो बेटा। नहीं भी प्रिपेयर है तो भी कोशिश तो एक बार करो। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपको क्वेश्चन के जरिए याद रहती है, कुछ चीजें आप जो है टॉपिक को पढ़ते हैं उसे याद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को रेगुलरली सॉल्व करने ही करने हैं, आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, करेक्ट। नेक्स्ट आपका है अवॉइडिंग एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी को हल्के में ले रहे हैं, वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है कि आप कोई बच्चा एनसीईआरटी को हल्के में ले रहा होगा, आप अगर एनसीईआरटी को बेटा हल्के में ले लेंगे ना तो डेफिनेटली आप बाद में सफर करने वाले हैं, तो इसीलिए अभी जाग जाइए। खास करके बायो में अगर आप चाहते हैं कि आपके 360 आउट ऑफ 360 आ जाए, तो बेटा एक यही किताब ऐसी है जो आपको पार लगा सकती है क्योंकि क्वेश्चन इससे कहीं भी अलग नहीं आता है। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमारा बाहर से आ गया है, तो वो भी बाहर से नहीं होता है, वो अराउंड द कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होता है, वो टॉपिक आपके में दिया है और उससे वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए एनसीईआरटी को रटना नहीं है, रीड करिए, सुनिए उसको अच्छे से और अच्छे से समझिए। एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक आपको आना मस्ट है, तो बिल्कुल भी हमें एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं करना है क्योंकि यही इकलौती एक चीज है जो हमारे सिलेक्शन को डिसाइड करने वाली है। नेक्स्ट है आपका मिसिंग रिवीजन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो क्या करते हैं, अपना नया टॉपिक उन्होंने पढ़ लिया, नया चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद फिर उन्होंने सोचा ठीक है मुझे प्रिपेयर है, लेकिन सबसे ज्यादा आलस वो कहाँ पे कर जाते हैं, वो रिवाइज नहीं करते हैं, वो रिवीजन करने में सबसे ज्यादा आलस कर जाते हैं। अच्छा उसके बारे में सोचा, वो चैप्टर तो मैंने अभी ही पढ़ा था, उसको मैं छोड़ देता हूँ। धीरे धीरे हफ्ते निकल जाता है, 10 दिन निकल जाते हैं, 20 दिन निकल जाते हैं, बेटा आप उसे भूल जाते हो ना, तो आप उसके क्वेश्चंस कर रहे हो ना ही आप उसको रिवाइज कर रहे हो, तो आपका पढ़ने का फिर फायदा क्या हुआ अगर आप उसको टाइमली रिवाइज नहीं करोगे। सोचो आपने एक चैप्टर, कोई बहुत बड़ा चैप्टर आपने ले लिया, आपने 2-3 घंटे 4 घंटे लगा करके उसको प्रिपेयर किया, ठीक है, और उसके बाद में अगले दिन आपने दूसरा प्रिपेयर किया, फिर तीसरा प्रिपेयर किया, बट आप टाइमली उनको रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो क्या वो आपको 4 घंटे वाली मेहनत दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी? डेफिनेटली करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप उसको टाइमली रिवाइज कर लोगे, अपना एक रिवीजन का शेड्यूल बना के रखोगे, तो आपको वही मेहनत हो सकता है 1/2 घंटे में ही हो जाए और वो टॉपिक आपका ज्यादा मजबूत हो जाए। अगर आपके पास में टाइम की कमी है, आपको नहीं मिल पाया उस दिन पूरा प्रॉपरली रिवाइज करने का, और उस दिन आपको वो चैप्टर रिवाइज करना था, तो डेफिनेटली आप उसके कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर बायो का तो उसके 100 क्वेश्चंस कर लीजिए, आपके टॉपिक की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके रिवाइज हो जाएंगी, फिर जब आपको आगे टाइम मिले तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए। तो आपके नया पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन का क्या शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हैं,
तो इसीलिए अपने रिवीजन का भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट रखिए, क्या पढ़ना है आपको नेक्स्ट डे, उसमें आपका एक कॉलम ये भी होना चाहिए कि आपको कल किस चीज का रिवीजन करना है। और ऐसा मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए आपके पास में एक थोड़ा टाइम ऐसा होना चाहिए जिसे आप रिवीजन के नाम पे दे सके। एंड जो सबसे लास्ट वाली आप लोगों के लिए है, जो बच्चे PYQs नहीं कर रहे हैं, बेटा PYQs करिए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो PYQs कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि आप PYQ तो करिए बेटा, लेकिन आप उन PYQ बेस्ड जो आपके टॉपिक है, यानी कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, अब अगर आप रिस्पिरेशन चैप्टर का कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, आपने ग्लूकोज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आपको उसके बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्योंकि वो सेम लाइन तो नहीं रिपीट होने वाली ना। हम क्या करते हैं, हम सीधे उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नहीं आता उसको देखा समझ लिया हो गया, हमें उससे रिलेटेड सारा कुछ आना चाहिए, सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बट वो सेम लाइन नहीं रिपीट होगी डेफिनेटली, बट उससे रिलेवेंट लाइंस रिपीट होंगी, वो कैसे बना, कहाँ से आया, आगे क्या यूज हुआ, आगे क्या होगा, तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आप PYQs पे फोकस करिए, बट उससे ज्यादा आपको फोकस करना है PYQ बेस्ड टॉपिक्स पे। तो अगर आप इस तरह से पढ़ोगे ना बेटा, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि क्या चीजें अगर आप अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि आप शेड्यूल नहीं फॉलो कर रहे हैं, राइट, तो बहुत मुश्किल है। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो भी बहुत मुश्किल है। अगर आप NCERT को अवॉइड कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा अगर आपने अपना रिवीजन प्लान नहीं रखा है तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और PYQs पे ही सिर्फ फोकस कर रहे हैं, उनके टॉपिक्स को अवॉइड कर रहे हैं, तो भी आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो बेटा इन चीजों को ध्यान रखिए और अपने सही तरीके को अपनाइए, तो आप कम मेहनत में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्या मिस्टेक्स हम जो कर रहे हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए नीट 2024 के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।